मेरा नाम अंजलि है और मेरा लास्ट 1 ईयर से यहाँ पे इलाज चल रहा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे साथ मेरा एक अबोशन हुआ था, मेरा इलाज कहीं और चल रहा था पर उन्होंने अबोशन करने से मना कर दिया था। मैं यहाँ पे आई, मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लास्ट ईयर अगस्त में मेरा यहाँ पे वो मैम ने DNC की, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट मैंने यहीं पे कंटिन्यू कराया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट यहीं पे कंटिन्यू रहा। फिर मेरे को ये फेब में कंसीव हुआ, BBA वाला फेब में कंसीव हुआ। उसके बाद मैम ने पूरा सपोर्ट रहा, साक्षी मैम का पूरा सपोर्ट रहा। पहले मेरा उषा मैम से ही चल रहा था। उषा मैम ने मेरे को बोला कि बंसल हेल्थ स्क्वायर में दिखाओ आप साक्षी मैम को, तो मैंने साक्षी मैम को जाने लग गई वहाँ पे मैम के पास। फिर मेरे को पूरा सपोर्ट रहा मैम के पास वहाँ पे। मेरे को बीच में भी कोई दिक्कत हुई तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आई, मैम ने तुरंत चेकअप किए, सारी चीज़ टेस्ट वगैरह की। तो पूरा सपोर्ट रहा हमें मैम का, उषा मैम का भी सपोर्ट रहा। मैं बीच में एडमिट रही थी 2 दिन, मेरे को लूज मोशन हो गए थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उषा मैम का, साक्षी मैम का, दोनों का पूरा सपोर्ट रहा। थोड़ा ओवरऑल केस मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया हमने। कॉम्प्लिकेशन हो गए थे उस टाइम पे भी, डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो मैम ने उस में पूरा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मतलब मेरी डिलीवरी शायद नॉर्मल नहीं होती बट उनकी सपोर्ट की वजह से नॉर्मल हुई। हरित सर के बारे में, हरित, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसको भी जॉन्डिस हो गया था। हरित सर ने भी पूरा सपोर्ट किया। उस दिन भी जब ये हुआ था थोड़ी इसकी खरर खरर की आवाज़ हो रही थी, तो उस टाइम पे भी सर ने उसको ठीक पूरा अच्छे से हैंडल किया इसको। और उसके बाद अभी ये थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी हमें वेट तो नहीं करना पड़ा, जैसे ही प्रॉब्लम होती डॉक्टर इमीडिएटली तुरंत आ तो गए थे। इमिडिएटली आ गए थे। रात को 11 बजे बुलाने गए तो रात को 11 बजे ही सर आ गए थे। अरे सर 11 बजे ही आए उसको मतलब देखने के डिलीवरी लिए। के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि पेन्स वगैरह पूरे नहीं हो रहे थे। मैडम ने जिस तरह से हैंडल किया है, उषा मैम ने, साक्षी साक्षी मैम मैम ने ने, बहुत कमेंट उषा किया। मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा डिलीवरी के टाइम पे, बहुत सपोर्ट रहा। उन लोगों की वजह से ही मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि मैं तो बोल चुकी थी मेरा ऑपरेशन करा दो, मेरा ऑपरेशन करा दो, मेरा ऑपरेशन करा दो घर वालों को, पर फिर भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, नॉर्मल ही करना है, तो मैं कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है। उसके बाद उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और नर्सरी में भी ट्रीटमेंट मतलब अच्छे अच्छे से किया सेटिस्फाइड इसका, नर्सेस। सेटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से, और पूरे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है। जो भी 1 ईयर का ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पे रहा, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया अगस्त से अब तक टाइम, पूरे साक्षी मैम के ट्रीटमेंट से, हरित सर के ट्रीटमेंट से, उषा मैम के ट्रीटमेंट से, एंड सबसे सेटिस्फाइड हम पूरी टीम से। बच्चे का ट्रीटमेंट भी हम हम मतलब जब अगर भी कुछ खाना भी होगा खिलाया यहीं आपने पे वहीं ही कंटिन्यू, कंटिन्यू। और सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।